वेलकम टू टुडे अमेजिंग सेशन क्रिस्टल सिस्टम एंड क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर। आज के हम लोग इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लोग क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होता है, एक इमेजिंग ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। जो मैक्सिमम लोगों को याद नहीं हो पाता है वो आपको एक इमेजिंग ट्रिक के द्वारा सब चीज़ इसका याद करा देंगे। यह वादा है, बस आप लास्ट तक ले वीडियो को देखते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं लोग सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए क्रिस्टल सिस्टम हम लोग क्या करेंगे लोग, जब सॉलिड हो गया, हम जानते हैं कि सॉलिड कैसे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और वह छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है 3D में अरेंज होता है। और हम लोग पढ़ा तो टू टाइप्स के सॉलिड होता है, एक एमॉर्फस होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है। तो क्रिस्टलाइन ठोस हम लोग सॉलिड तभी कहेंगे लोग जब उसका जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, रेगुलर 3D में अरेंज होगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे ही वो जैसा तैसा अरेंज हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे लोग, एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे लोग। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ हम लोग अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे लोग, एमॉर्फस के लिए बात नहीं करते हैं, क्योंकि एमॉर्फस तो झूठा मूठा होता है, उसको क्या करना है। तो देखिए अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग कब कहेंगे, जब उसके क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा मीन्स जिससे वह मिल करके बना होगा वह क्या होगा, रेगुलर 3D में अरेंज होगा। तो रेगुलर 3D में अरेंज होगा तो कुछ ना कुछ तो अपना शेप बनाएगा, और जो शेप बना करके तैयार करता है वही शेप क्या कहलाता है, क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है। तो ये सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं लोग क्रिस्टल सिस्टम का, उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर देखा जाएगा। क्रिस्टल तंत्र, अब देखिए आपको क्या करना है, जो क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टल तंत्र क्या होता है इसको देखना है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर है, हिंदी में लिख सकते हैं लोग, ठोस के अयवायी कणों का स्पेसलाइटिस में अयवायी कणों का स्पेसलाइटिस में 3D सजावट क्रिस्टल तंत्र कहलाता है। रटने की कोशिश नहीं करना है, फीलिंग करना है, समझना है। अब हम लोग का देखने हैं क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर, अरे कुछ लोगों को तो वर्ड पता होगा कि पैरामीटर मींस होता है क्या है। पैरामीटर मीन्स क्या होता है, एक मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पैरामीटर कहते हैं लोग, जिसमें फीवर को बुखार को नापना होता है। तो इसके लिए हम लोग कौन से पैरामीटर लेते हैं, थर्मामीटर को यूज करते हैं लोग। तो पैरामीटर मीन्स एक मेजरमेंट होता है। तो आप सबसे पहले देखा जाएगा क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर क्या होता है। तो यहाँ आइए हम लोग देखते हैं लोग, पहले आपको दो गो फिगर देते हैं, दोनों को हम लोग इसके द्वारा सीखेंगे लोग क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर क्या होता है। रटना मना है यार, बस अच्छे से पढ़े लो, समझते हुए पढ़े लो, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। एक यह हो गया और एक यह हम लोग बना दिए। जिसमें हम लोग ऐसे दो गो फिगर बना लेते हैं हम लोग, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दोनों फिगर क्या है, दोनों में से कौन क्या है, इस कैसे इसको बताइएगा। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, इस कारण से ऐसा फिगर हुआ है, आगे हम लोग इसको अच्छे से बनाया जाएगा।
देखिएगा आपको तो यहाँ तो आपको फ्राक से लिख दीजिएगा कि सर यह क्यूब है, इसको क्या कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फिगर में, हेक्सागन है फिगर में, मिस्टेक क्या हुआ ना, यहाँ हम लोग इसको छोटा बनाते हैं लोग और ये वाला बड़ा रहता है, तो आगे आपको बनाएंगे फिगर वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए हम लोगों ने क्या देखा लो, यह क्या होगा माना क्यूब होगा, यह क्या होगा हेक्सागन होगा, लेकिन यहाँ माइंड में क्वेश्चन तो यार बनता है ना कि इसको क्यूब क्यों कहेंगे लोग, उसको हेक्सागन क्यों कहेंगे, दोनों तो फिगर ही बना है। तो कहे सर जी आपको नहीं पता है क्यूब हम लोग कब कहते हैं लोग, जब उसका जितना एंगल है ऑल से एंगल और कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। और सर एक और बात याद रखिएगा, क्यूब कहने के लिए हम लोग कब कहेंगे लोग, जब उसमें का जो भी साइड है वो सब कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं लोग, क्यूब कह सकते हैं लोग। मीन्स हम लोग यहाँ से क्या देखे लोग, किसी एक को हमको पता करना हो कि वह क्यूब होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमको तीन वो चाहिए, पहला कि 3 एंगल चाहिए, उसके बाद जो साइड है यह साइड कितना है, उसका साइज इक्वल है कि नहीं है वो अभी देखना पड़ेगा, यानी कि 3D में कितना हमको चीज़ पता होगा तो हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा होगा स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर को 6 चीज़ हमको पता होना चाहिए, 6 टर्म हमको पता होना चाहिए, 3 गो तो एंगल होगा और 3 गो क्या होगा, भुजा होगा, साइड होगा, और यह 6 मिलेगा तो हम लोग किसी खास को बता सकते हैं लोग, क्योंकि यहाँ सब एंगल 90 डिग्री का होगा, सभी भुजा इक्वल होगा तो क्यूब कहेंगे लोग। जैसे ही यहाँ एंगल 120 का हो गया, भुजा भी आपस में चेंज हो गया, तो वह हेक्सागन हो जाएगा, मोनोक्लिनिक हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक ऐसे नया और नाम आएगा। तो ऐसे हम लोग क्या सीखे लोग, किसी भी पार्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम को, किसी खास क्रिस्टल सिस्टम को हमको पहचानना होगा, तो उसके लिए हमें नए नए 6 टर्म की आवश्यकता होगा, नया नया यदि 6 टर्म हमको सीख जाएंगे लोग तो हम लोग बता सकते हैं कि वह क्या हो सकता है। तो उसी नए नए 6 टर्म को जो सीखने के लिए, जिससे कि हम लोग पहचान सके, जिससे उसका पहचान किया जा सके कि वह कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। सर क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर क्या होता है फिर से एक बार बताइए। तो किसी पार्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम को पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैथमेटिकल यूनिट हम लोग यूज करते हैं लोग, उसी को क्या कहते हैं लोग, क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं लोग, फिर ये देखते हैं कितने टाइप को होता है। देखिए हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, इसका डिफिनेशन क्या लिखेगा लोग, द मैथमेटिकल यूनिट which can be identified the particular unit, particular crystal system. वैसा कृत्य ही क्या है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी खास क्रिस्टल तंत्र को पहचाना जा सकता है, क्रिस्टल तंत्र कहलाते हैं। क्रिस्टल तंत्र पैरामीटर कहलाते हैं। अब देखिए जो क्रिस्टल तंत्र पैरामीटर होता है, क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर होता है, वो 6 टाइम्स को होगा। कौन कौन 6 टाइम्स को होगा जी, तो यहां आपको दिखा दे रहे हैं। तो यह हम लोग मान लिए एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस हो गया और यह जेड एक्सिस हो गया। इसका कुछ ना कुछ तो साइड होकर करेगा, तो इसका साइड हम मान लेते हैं ए है, इसका साइड हम मान लिए कि बी है, और इसका साइड कितना है, सी है। भुजा का जो लंबाई तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा तो इसको हम अल्फा मान लिया, फिर यहाँ कुछ एंगल बनेगा तो इसको हमने बीटा मान लिया,
और यहाँ जो एंगल बना है उसको हम लोग क्या मान लिए लो, गामा मान लिए लो। तो ऐसे हमको कितना मिलेगा, दो तरह के क्रिस्टल सिस्टम आएंगे। एक तो क्या होगा सर जी, एक्सियल एंगल होगा और एक क्या होगा, एक्सियल लेंथ होगा। अब जी एक्सियल एंगल कितना होगा सर जी, तीन होता है, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। और एक्सियल लेंथ कितना होगा, ये भी तीन होता है, ए बी एन सी। तो याद रखिए आपसे मुझे क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर कितना होता है तो बताइएगा, सिक्स होता है, जिसमें थ्री एंगल होते हैं और थ्री साइड होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट्स हुआ तो कमेंट सेशन में कमेंट्स जरूर करना है, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लो। आइए हम लोग अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। ये प्रॉपर्टीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए लो, उसके बाद देखना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। आई होप कि हो गया होगा। देखिए सर, दूसरा हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो प्रॉपर हेडिंग दे दीजिए लोग, याद देखिएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आप उन आपको रटाएगा वो भी पांच मिनट के अंदर। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हो गए यहाँ, एक्सियल लेंथ, यहाँ एक्सियल एंगल, यहाँ रख दिया यूनिट सेल, एग्जाम्पल। इससे ये क्वेश्चन फिक्स है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चन 100% नहीं किया आएगा। और 90% स्टूडेंट हम बताते हैं कि आप क्वेश्चन बना करके नहीं आ पाता है, क्योंकि याद ही नहीं रहता है। याद होगा तब ना बनाइएगा, याद रहता ही नहीं है तो रटिएगा तो फंसिएगा, तो सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या करना है ना, एक मॉडर्न डे का एक ट्रिक याद कर लेना, जिसमें देखते हैं ये लोग, लड़कियाँ जब भी रोड पर जाएगी तो लड़के सब देख के क्या करते हैं, सीटी बजाएगा। तो जो भी आज के लड़के अभी वो भी तो शांत रहती नहीं है, वो भी क्या करेगी, वो भी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले लेगी। तो हम लोग का ट्रिक क्या होगा कि सीटी और मारोगे, तो जिसमें सीटी और मारोगे, जब तूने सीटी मारा है तो क्या होगा, पिटाई तो होने वाला है ही, पिटाई होगा तो सेप तो यार खराब होगा ना, और सेप खराब होगा तो एक सेप से दूसरा सेप में बदल जाएगा। तो वहीं एक ट्रिक क्या है, सीटी और मारोगे तो तेरा हेक्सागोनल सेप बनाकर रोड धरा देंगे, जिसमें आराम से जा रहा है तो जाओ, नहीं तो सीटी मारा कि पिटाई करेंगे तो सेप क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा। उसके बाद से फिर रोड धरा देंगे आराम से, हिलते डुलते चल जाना। अब सर देखिए, हमको कुछ ना समझ में नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। नाम तो आपको याद हो गया है, बस यार नाम आपको याद हो गया, बाकी हम लोग छोड़ दीजिए सब, यहाँ जितना टेबल में लिखे। तो काउंट किए तो कितना टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होता है जी, काउंट किए फटाफट। होते हैं, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, क्यूबिक, उसके बाद टेट्रागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, फिर होता है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, उसके बाद हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग,
ट्राइगोनल। देखिए आपको बस यही तो नाम याद करना बस मुश्किल है, सबको यहाँ याद करना मुश्किल होता है, हमारे में बस यह नाम याद कर लिए, बाकी ये सब देखिएगा आपको बस विश्वास रखिए सब अभी याद हो जाएगा। नाम भी सर कैसे याद होगा, क्या मारोगे ट्राइगोनल से बना के रोड डाल देंगे याद हो जाएगा, ये भी याद क्या हो जाएगा, याद हो गया नहीं है नहीं तो फंसना है। अब देखिए हम लोग याद है एक्सियल लेंथ क्या होता है, अभी बताया था एबीसी, तो यार कुछ ना कुछ अभी हम लोग क्यूब जो आपको तो याद होगा करेगा, इसमें तो याद करने का प्रॉब्लम क्या है नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्यूब के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसे तो आपको याद होगा, तो बाकी याद करने के तो ऊपर जो होगा वो नीचे कर देना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें तीनों बराबर होते हैं, इसमें दो बराबर कीजिएगा, एक को छोड़ दीजिएगा, और फिर इसी को कहाँ उठा कर रख देंगे लोग नीचे, बस दोनों काम साथ साथ करना है, ऊपर नीचे दोनों साथ में होगा। अब क्या बच गया, तीन गो, यहाँ तीनों बराबर था, यहाँ दो बराबर है, यहाँ तो कोई बराबर नहीं होगा, तो आपको भी समझ में इतना रहा होगा, तो इसी को तीन बार रिपीट कर देना, काम तमाम हो गया। देखिए किसी बुक में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, इसी कारण से स्टूडेंट को दिक्कत होता है याद करने में, सब अलग अलग तरीके से अरेंज करता है, अपन इतना ज़बरदस्त तरीके से अरेंज करते हैं, कभी भी कोई भी लेसन हो आपको कहते हैं जो सबसे टफ होता है अपन उसको सबसे ईजी बना के पढ़ाता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, याद करने में कितना मुश्किल होता है वो हम भी समझ चुके हैं, क्लियर है। आइए एक्सियल लेंथ एंगल निकाल लें, यार वो भी टेंशन नहीं है, ऊपर आराम से अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री इक्वल होगा, इसी को तीन बार रिपीट कर देना है, समझ में ही गया होगा कि वह तीन बार रिपीट कर दे रहे हो, तीनों का हो गया सेम हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ अल्फा और गामा होगा 90 डिग्री के इक्वल, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसी को यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ क्या करना है, अल्फा और बीटा नहीं गामा नहीं, बीटा होता है 90 डिग्री के, और यहाँ गामा जो होता है वह 120 डिग्री इक्वल होता है, तो इसी को अच्छा से आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे याद कर लेते हैं, यहाँ जो बीटा होगा डज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, यहाँ बीटा होता है 120 डिग्री, यहाँ 90 के भी बराबर होते हैं 120 के भी बराबर वह नहीं होता है, क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करना है, बच गया दो गो, तो इसमें याद रखिए इसमें अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा और डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स इसमें तीनों में से कोई आपस में भी इक्वल नहीं होता है और 90 के भी इक्वल नहीं होता है, और इसमें तीनों आपस में इक्वल होता है लेकिन 90 डिग्री के इक्वल कोई नहीं होता है, क्लियर है। सर फिर से एक बार एंगल वाला बता दीजिए, थोड़ा नहीं समझ में आया, चलिए हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, शुरू में अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर कर दीजिएगा, वो तो आपको क्यूब से याद ही है, उसको याद नहीं करना पड़ेगा, उसको तीन बार रिपीट कर देना है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जब बच जाएगा तो अल्फा गामा 90 के बराबर होता है, बीच में एक गैप कर दीजिएगा, उसके बाद अल्फा बीटा 90 के बराबर कर दीजिए, यहाँ बीटा 120 के बराबर नहीं होता है, 90 के बराबर नहीं होता है, यहाँ गामा 120 के बराबर होता है, मीन्स इसमें जो दो गोलिए हैं एक बीटा छूटा था, इसमें दो गोलिए थे तो एक छूटा था वो 120 के बराबर कर देगा, और जो बच गया था दो गो, एक में तीनों आपस में इक्वल तो होता है लेकिन 90 के इक्वल नहीं होता है, एक में ना तो कोई 90 के इक्वल होता है ना कोई आपस में इक्वल होता है, याद हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद इसको हमें यूनिट सेल को याद करना है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि यूनिट सेल कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंपल क्यूब, मतलब कि प्रिमिटिव पढ़ा था, सबसे पहले उसी को लिख देते हैं नाम से ही प्रिमिटिव। उसके बाद हम लोग पढ़ा था बॉडी सेंटर, फिर पढ़ा था फेस सेंटर, उसके बाद हम लोग पढ़ा था एंड सेंटर। तो इसको याद करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा मोबाइल नंबर बता रहे हैं, उसी से याद हो जाएगा। और सर मोबाइल नंबर क्या है, 3242111। बस यह नंबर याद कर लीजिए, उससे आपका याद हो जाएगा, लैंडलाइन नंबर समझ के याद कर लेना है। नहीं सॉरी, 3 का मतलब क्या हुआ, पहला में तीनों यूनिट से ला जाएगा, कौन कौन सा, तो पहला में मिलेगा हमें प्रिमिटिव, उसके बाद बॉडी सेंटर होगा, फिर फेस सेंटर होगा, दूसरा में दो है तो पहला दो केवल रखेंगे लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, प्रिमिटिव
उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एंड सेंटर, फेस सेंटर, अति बॉडी सेंटर। और इसमें क्या है सर, जो उसके बाद चार आ रहा है तो चारों को यार लिख देना है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद है क्या आएगा सर जी, प्रिमिटिव हो गया, फिर बॉडी सेंटर आएगा, फिर से देखिए क्या आएगा, फेस सेंटर आएगा, फिर से क्या आएगा, इन सेंटर, और फिर यह दो आ गया। यानी एक बार पहले दो आ गया था, फिर दोबारा दो आ रहा है, तो पहला और लास्ट को लिखेंगे यहाँ, क्लियर है। तो यहाँ क्या आएगा, प्रिमिटिव। उसके बाद क्या आएगा सर जी, इन सेंटर, क्लियर है, इसी ही लिख देते हैं यहाँ। उसके बाद ये बाकी कितना है, ट्रिपल वन, यानी कि तीन बार केवल इसी को लिख देते हैं। अब दी आपको यहाँ बता देते हैं कि हमने आपको देखी यहाँ से यहाँ तक हम तीनों लिख के आ गए हैं, याद आपको होगा कि नहीं होगा, ये आपको एक बार एग्जांपल के रूप में हम आपको समझा देते हैं। हमने कभी दोबारा इस नाम को नहीं पढ़े, आप बुक से मिला के देखिएगा, कहीं आपको मिस्टेक नहीं होगा, पूरा फुल्ली सही लिखे होंगे, क्योंकि आप उन ट्रिक से याद किया है, कॉन्फिडेंस है, कभी गलत नहीं हो सकता है। तो आप बस हमारे ट्रिक को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, लो एक बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना, बोल कर प्रैक्टिस करना है, इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके सामने ही लिख रहे हैं, कभी पीछे नहीं देखे हैं कि किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं लोग, बस अपना ट्रिक देख रहे हैं लोग, लिखना स्टार्ट कर रहे हैं लोग, और बिल्कुल सही लिखा रहा है, कहीं गलत नहीं होगा। अब रही बात बस एक एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल में बस थोड़ा सा जानते हैं लोग कि लॉजिकल ट्रिक कम काम करता है, इसको रटना थोड़ा पड़ेगा, लेकिन इसके भी हम लोग लॉजिकल ट्रिक आपको बताएंगे, रटना कम पड़े लेकिन फिर भी हम लोग याद कर ले। नहीं, पहला में आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का आपका एग्जाम्पल क्या आएगा, SnO2 TiO2 हो जाएगा और CaSO4 हो जाएगा, यहाँ ZnS भी होता है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग का देखना है, तो उसके बाद देखिए यहाँ हम लोग लॉजिक अपना लगाएंगे लोग, यहाँ लॉजिक क्या आएगा, देखिए यहाँ क्या है, ऑर्थोनॉमिक, यहाँ है मोनोक्लिनिक, तो दोनों में सल्फर आता है, एक में रोम्बिक सल्फर आता है और एक में मोनोक्लिनिक सल्फर आता है, तो यहाँ हो जाएगा रोम्बिक सल्फर, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक पर आए थे लोग, तो रोम्बिक सल्फर हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर। जब पी ब्लॉक पढ़ेगा तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि सल्फर थ्री टाइप्स का होता है, अब कौन कौन सा सल्फर आता है वहाँ से हम लोग देखेंगे। एक तो रोम्बिक सल्फर मेनली दो भाग में उसको डिवाइड करते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, और भी हम लोग पी ब्लॉक में उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा और भी आपको एक इंटरेस्टिंग बताएंगे क्या क्या हो सकता है, तो इसमें तो आएगा कि और भी KNO3 हो जाएगा, BSO4 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, Na2SO4.10H2। पहला तो दोनों में याद नहीं है कि सल्फर कहाँ मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में, बाकी वो दो है जो कि ऐसे ही एग्जाम्पल याद है, NCERTL है, वही आपको क्यों लिखा रहे हैं कि आपको याद करने में बाद में दिक्कत ना हो, और एग्जाम में क्वेश्चन NCERT से ही आ रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा, तो इसलिए NCERT के लिए कि आपका कन्फ्यूजन कम हो, आप इजिली याद कर सके, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या आएगा, K2Cr2O7CaSO4.5H2O। अब यहाँ आप मतलब ट्रिक क्या लगा के याद रखिएगा, यहाँ आपको ट्रिक बता देते हैं, नहीं इसमें .H2O है और इसमें .H2O है, मीन्स एग्जाम में .H2O करके आ जाए तो आपको याद रखिएगा वो कहाँ होगा, या तो मोनोक्लिनिक होगा नहीं तो ट्राईक्लिनिक होगा, .H2O करके आएगा तो वो दो जगह ही हो सकता है, वो कहाँ कहाँ, तो मोनोक्लिनिक में होगा नहीं तो ट्राईक्लिनिक में होगा। उसके बाद एक अलग से एग्जाम्पल में याद रखिए, ये भी पी ब्लॉक में हम लोग अच्छा से पढ़ा जाएगा, H3BO3, जिसको आपको पता नाम पता होगा कहीं, बोरिक एसिड इसको कहते हैं लोग, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा CDS, CDS के नाम क्या होता है जी, कैल्शियम सल्फाइड, और आपको पता होगा ग्रेफाइट भी का भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ाए थे लोग, जब आपको इलेक्ट्रॉप्स पढ़ाए तो वहीं बताया था ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल ही होता है, हेक्सागोनल शेप का होता है, और उसके बाद हो जाएगा ZnO जिंक ऑक्साइड, और इसका स्ट्रक्चर आप इसका एग्जांपल यहाँ लेते हैं क्योंकि वहाँ तो लिख दिए, उसको आपको भी लिखना पड़ेगा अभी, तो इसलिए यहाँ लेते हैं CsCO3.HgS। तो ऐसे सबका हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिया लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखा जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है।
अब हम लोग का मैथमेटिकल थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट होगा, बहुत मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना। बायो से हो या मैथ से, आपको कहीं कन्फ्यूज नहीं होगा, उससे डरना नहीं है। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में।